दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रशासनिक कामकाज से जोड़कर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने की नई कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत हुई है सतना से। प्रदेश में अपने किस्म की एक अनोखी पहल सतना के अपर कलेक्टर राजेश शाही ने शुरू की है। इस नवाचार के तहत कोर्ट मैरिज करने वाले दंपतियों के लिए अब पौधारोपण अनिवार्य किया गया है। नवविवाहित जोड़ों के द्वारा लगाए जाने वाले ये पौधे न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली बढ़ाने में सहायक बनेंगे, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वालों के लिए एक सुखद यादगार भी साबित होंगे। सतना के अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी राजेश शाही ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल और अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने SDM कोर्ट में विवाह के लिए अथवा विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आने वाले दंपतियों के लिए पौधारोपण अनिवार्य कर दिया है। जोड़ों को 5 फलदार पौधे किसी सुरक्षित जगह पर रोप कर उनकी फोटो और वीडियो को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ भी ये संकल्प भी लेना होता है कि वो उन पौधों का पालन संरक्षण कर उन्हें पल्लवित करेंगे। पौधारोपण की यह शर्त पूरी होने के बाद ही दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अपर कलेक्टर शाही के इस प्रयास से अब तक 38 विवाहित जोड़े 190 फलदार पौधे लगा चुके हैं। पौधारोपण कर वो दंपत्ति भी खुश हैं, क्योंकि ये फलदार पौधे उनके विवाह की यादों के तौर पर सदैव उन्हें खुशी देते रहेंगे। वहीं अपर कलेक्टर ने बताया कि उन्हें लगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भी कुछ किया जा सकता है, और ऐसे में ख्याल आया कि अगर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा विवाह करने आने वाले जोड़ों को भी इससे जोड़ा जाए तो नतीजे अच्छे सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालते, बल्कि आग्रह करते हैं, जिसे लोग खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं। पौधारोपण की तस्दीक भी पटवारियों के माध्यम से कराई जाती है।